सूर्य प्रताप और दुर्गावती में से किसका फैसला होगा सच? वेल, अभी देखना बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से तारा के सामने सूर्य प्रताप ने ध्रुव को बल्लभगढ़ का राजा बनाने का फैसला सुनाया है, वैसे में तो देख के यही लग रहा है कि सूर्य प्रताप जो है अब वो ध्रुव को बल्लभगढ़ का राजा बना के रहेगा और फिर वो मीनाक्षी से उसकी शादी कराएगा। वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे में क्या आने वाला है नया ट्विस्ट। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से दुर्गावती और महारानी के बीच में पड़ जाती है तारा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का आमना सामना होता है और दोनों बेहद एक दूसरे से बातें करती हैं, लड़ते हुए नजर आती हैं और तारा को समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे, क्योंकि एक तरफ है उसकी अपनी माँ तो दूसरी तरफ है सूर्य प्रताप की माँ, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ नहीं कह पा रही है। लेकिन अब इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ सूर्य प्रताप है वो तारा के सामने ध्रुव को बल्लभगढ़ का राजा बनाने का फैसला सुनाता है, जिसे सुनने के बाद से तारा बेहद परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती है कि वो अपने दूसरे बेटे से कहती है कि अगर जो ध्रुव है उसकी पहली पत्नी के बारे में तुम मुझे राज बता दोगी और बता दोगी कि वो कौन है तो फिर मैं तुम्हें बल्लभगढ़ का राजा घोषित कर दूंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा कौन बनेगा? क्या जो सूर्य प्रताप ने बोला है वो सच होगा या दुर्गावती ने बोला है वो सच होगा? वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी अपनी फेवरेट एक अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्म बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।